बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ ये चिकन जिंजर की बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हम सब के किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो चलिए आइए झट से इस मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर को बनाना शुरू करते हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लेकर इसको गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज लेकर इसको फाइनली स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने लाइट पिंक कलर होने तक फ्राई करना है। प्याज लाइट पिंक हो चुकी है, बस इसको इतना ही फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड्स के लिए इसको भी भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम ये चिकन। तो मैंने यहाँ पर ये 1/2 kg चिकन लिया है और चिकन को मैंने इस तरह से पीसेस में कट किया है, लंबे लंबे पीसेस में। आप चाहें तो किस तरह से भी आप स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बोनलेस ले रही हूँ, आप विद बोन भी बना सकते हैं इसको। और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, तो चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है 4 मिनट तक, और चिकन की स्मेल भी निकल चुकी है और इसका अच्छी तरह से कलर भी चेंज हो गया है। ऐड करेंगे अब बारीक कटा हुआ एक टमाटर। तो मैंने यहाँ एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको हमने फाइनली चॉप करना है। 1/2 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक। और अब इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये चिकन का ही अपना पानी है और टमाटर का भी अब अपना पानी होगा। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा हुआ है शुरू से अब तक, और इसको कवर करके हम 10 मिनट तक पका लेते हैं। अगर आप ये रेसिपी विद बोन चिकन में बना रही हैं तो फिर उसको कुकिंग टाइम पूरा दीजिएगा 20 से 25 मिनट में। विद बोन चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको सिर्फ हमें 10 मिनट पकाना है क्योंकि ये बोनलेस है तो ये जल्दी पक जाता है। और विद बोन चिकन बनाने में आपको थोड़े पानी की भी ज़रूरत होगी, तो आप उसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं। बारिश हो रही है माशाल्लाह से, बहुत ही बिजली कड़क रही है, अल्लाह अपना रहम करे। बस देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी इसमें मैश हो रही है और टमाटर भी इसमें मैश हो चुके हैं। तो अब ऐड करेंगे हम इसमें दही। तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ ये 60 से 70 ग्राम दही। दही आपने बिल्कुल गाढ़ा वाला लेना है। अच्छी तरह से मैश कर देंगे। गाढ़े दही की जो है ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें हम क्रीम। तो 1/4 कप के करीब हम इसमें ये क्रीम लेंगे। और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए पका लेते हैं। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है और इसका जो पानी था, दही का पानी और क्रीम का, वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है।
और चिकन तो हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो ही चुका है। अब ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। आपने ये दोनों चीज़ें लास्ट में ही डालनी है। अगर आपने शुरू में ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी तो फिर चिकन का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। और मिर्ची जो है आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुली होकर डालनी है इसमें, क्योंकि हमने इसमें चारों तरह की मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली होकर मिर्च इस्तेमाल करें आप। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देते हैं और इसमें डालेंगे हम इसका मेन इंग्रेडिएंट्स अदरक। इसमें अदरक जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, कि हर बाइट में एक अदरक का पीस आना चाहिए। और बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया, और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इस चिकन में ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती है, ये बिल्कुल इसी तरह का होता है। मैंने आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जिंजर की रेसिपी बताई है। अब इसको हम कवर कर देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फिर उसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए चिकन जिंजर को अब सर्व करते हैं। और इसको अदरक से और गार्निश कर देते हैं, थोड़ा बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च। तो आज की मेरी ये चिकन जिंजर की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।